आज ये चेतावनी देता हूँ, खून की नदी बहा दूंगा को प्रतिबंधित किया जाए अथवा उसमें बदलाव किया। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की मांग उठाई। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि आदि पुरुष फिल्म को प्रतिबंध करें या उसमें बदलाव करें। उन्होंने किरदारों को लेकर घोर आपत्ति जताई, कहा कि यदि फिल्म में सुधार ना किया गया तो रावण वध मैं करूंगा। जगतगुरु ने कहा कि रामायण में जितने भी पात्र हैं उनकी वेशभूषा करोड़ों वर्ष पहले शास्त्रों में वर्णित है, जिसमें छेड़छाड़ करना हिंदू आस्था का अपमान है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि यदि बदलाव नहीं किया गया तो खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने कहा कि आदि पुरुष फिल्म सनातन धर्म पर बड़ा आघात है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित अनादिकाल से चली आ रही रामलीला के सभी पात्रों की छवि लोगों के दिल दिमाग में बैठी है, उसमें बदलाव करना हिंदू आस्था पर आघात है। आदि पुरुष जो फिल्म बनाई जा रही है इसमें रामलीला में किरदारों की वेशभूषा को मनमुखी और अशास्त्री तरीके से जो दिखाने का दुस्साहस किया जा रहा है यह बेहद आपत्तिजनक है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज ये चेतावनी देता हूँ, यदि सनातन धर्म पर आघात करोगे तो प्रतिघात करूँगा, और अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो फिर रावण वध मैं करूँगा, खून की नदी बहा दूंगा। अगर सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे, अगर इस पर बदलाव नहीं हुआ तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनादिकाल से चली आ रही जो रामलीला है वो शास्त्री है, सबके वेशभूषा पर शास्त्रों में चर्चा है, अगर उसको बदलाव किया गया मनमुखी ढंग से, अगर सनातन धर्म का मजाक बनाओगे तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए जिम्मेवार जो लोग हैं उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस आदि पुरुष फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए अथवा उसमें बदलाव किया जाए, शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत किया जाए, वरना इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहें। वंदे मातरम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से यह आदि पुरुष फिल्म बनी है यह सनातन धर्म पर कुठाराघात है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, और लगातार जो है तो सनातन धर्म पर आघात हो रहा है, और हिंदू हमेशा अति सहिष्णु बन करके इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद लोग सुधर जाएं, लेकिन अब प्रतिघात होगा। अगर जो है इसमें बदलाव नहीं किया गया तो रावण वध फिर मैं करूंगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य यह आज जो है चेतावनी दे रहा हूं कि हम दूसरों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हिंदू आस्था पर कुठाराघात होगा तो प्रतिघात करूंगा। अगर जो है इसमें बदलाव नहीं किया गया तो खून की नदी बह जाएगी। और यह भी बता रहा हूं जो भी जिम्मेवार लोग हैं इस पर बदलाव कर लें, नहीं तो जिस तरह से लगातार हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सनातन धर्म पर जो है आघात हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों के दिल दिमाग में जो अनादिकाल से भगवान की लीला चली आ रही वो छवि बैठी हुई है, उसका वर्णन है शास्त्रों में, उसको आप मनमुखी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, और अगर मनमुखी ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो फिर गर्दन कटेगी, ये याद रख लेना। ये मत समझिएगा कि हिंदू जो है अति सहिष्णु है तो जो चाहो वो बक लोगे, जिस तरह से चाहोगे सनातन धर्म का मजाक बना लोगे। आज पुरुष फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए या तो फिर इसमें बदलाव होना चाहिए, जो शास्त्रों में वर्णित है उसी के अनुरूप होना चाहिए। अगर मनमुखी ढंग से हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह धर्म जिहाद जो एक तरह से बनाया जा रहा है, जिस तरह से सनातन धर्म को जो है तो खत्म करने के लिए ये आज पुरुष फिल्म बनाई गई है, यह प्रतिबंधित किया जाए या तो बदलाव किया जाए, ये हमारी चेतावनी भी है और ये सुझाव भी है। अगर इस ऊपर नहीं माने तो फिर गर्दन भी कटेगी, खून की नदी भी बहेगी। जय श्री राम।